निर्माण विभाग के मेठ और पार्षद के बीच हुए विवाद में नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा उचित कार्रवाई की मांग को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। 72 घंटे के दिए अल्टीमेटम के बाद नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने बैठक करके नगर आयुक्त से मुलाकात किया, जिसके बाद उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। पदाधिकारियों का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए हमने अपना निर्णय बदल दिया है, लेकिन जैसे ही त्यौहार खत्म होंगे हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे जब तक कि दोषी पार्षद पर उचित कार्रवाई नहीं हो जाती। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संरक्षक कौशल कुमार शुक्ल ने कहा। कौशल कुमार शुक्ल, संरक्षक नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति गोरखपुर। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था आपके द्वारा, अब तक क्या कार्रवाई लिया गया? निर्माण सेक्शन में जो कर्मचारी साथ दुर्व्यवहार किया गया था माननीय पार्षद के द्वारा, उसमें कर्मचारी संघ के तरफ से 72 घंटे का अल्टीमेटम हम लोग दिए थे। अपने अल्टीमेटम दिए जाने के अनुसार आज नगर निगम के सभी संगठन के पदाधिकारी संघ भवन पर इकट्ठा हुए और सबकी एक आपातकाल बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद सब लोग मिल करके नगराज महोदय के पास उनके चैम्बर में जा करके हम लोग की नगराज से वार्ता हुई है और नगराज महोदय ने आश्वस्त किया है कि जब दोषी पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मुख्यमंत्री का शहर और त्यौहार इस समय तीज है, परसों 13 तारीख को तीज व्रत त्यौहार है और उसके बाद विश्वकर्मा पूजा है, उसके बाद मुहर्रम जैसा महत्वपूर्ण त्यौहार है। चूँकि जनहित से हम सेवा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जनता को कोई असुविधा ना होने पावे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने हड़ताल को स्थगित करिए और एक समय देकर के आप लोग फिर अल्टीमेटम दीजिए कि अगर इस हड़ताल ये हमारे त्यौहार संपन्न हो जाएगा तो वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि दोषी पार्षद के खिलाफ चूँकि FIR दर्ज है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हम इन त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस अपने आंदोलन को हम त्यौहार के बाद, अगर त्यौहार के बाद तक ये कार्रवाई संपन्न नहीं होती है तो त्यौहार के बाद हम कभी भी आंदोलन पर जा सकते हैं।